तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो कि इसमें क्या कहते हैं। इसमें बेसिकली ये है कि एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप है, और ये रेक्टेंगुलर लूप जो है दो साइड से बना हुआ है, जिसमें ये वाला जो ये है, दिस इज द पी आर जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, और ये वाला जो है वो 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये कहते हैं कि इधर 4 एम्पियर, यहाँ से पहली बात है करंट आई फ्लो हो रहा है, तो वाई बाई सिमेट्री अगर देखोगे तो इसमें जो करंट है वो यहाँ से I/2 गई होगी, तो इसमें भी I/2 गई होगी। ठीक है ना, क्योंकि वायर का जो पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस है वो सेम है, तो इसमें I/2 गई होगी। इसको मैं फर्स्ट केस I1 करंट बोल देता हूँ, तो I1 की वैल्यू यहाँ I/2 है। बात आ गई समझ में? तो अब अगर मैं करंट I को 2I चेंज कर दूं, तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बिटवीन द वायर PQ एंड RS, देखो PQ और RS कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, देखो इस तरह से हो जाएगा, ये जो वायर है ये P और Q है, और इसमें जो करंट है वो I1 जा रही है, जिसकी वैल्यू I/2 है, और यहाँ से ये जो करंट है वो यहाँ से इसमें जा रही है I1 पहले केस में, जिसकी वैल्यू I/2 है। तो इनके बीच का सेपरेशन कुछ x है मान लो, कुछ d है। तो ये जो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ का फार्मूला आपको याद होगा, इस फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ को अगर मैं x बोल दूं, तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ का फार्मूला है म्यू नॉट I1 I2, दोनों में करंट, बात समझ में आ रहा है, I1 I2 दोनों में करंट, मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई डी, दिस इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। तो एक्स जो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ है वो फर्स्ट प्रोपोर्शनल आ गया किसके, अब करंट सेम है तो I² के, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ फर्स्ट सेकेंड केस में हमें रेशियो निकालना है। तो फर्स्ट केस में मतलब X1/X2 की जो वैल्यू होगी फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, दैट इज I1 पहले केस में करंट दोनों में, और दूसरे केस में करंट दोनों में का स्क्वायर मैं कर दूं तो मुझे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मतलब कुल मिला के कुछ नहीं करना है आपको, अब करंट की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट केस में जो करंट है वो फर्स्ट केस में करंट I1 है, तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ जो है वो x है। तो दूसरे करंट दूसरे केस में यहाँ कितनी करंट हुई, दूसरे केस में आपने यहाँ पर 2I करंट लगा दिया, समझ रहे ना, आपने यहाँ पर आई नहीं लगाया, दूसरे केस में केस टू में हमने करंट 2I अप्लाई कर दिया। तो अब यहाँ से इसमें जो I2 करंट जाएगी वो आई जाएगी, और यहाँ से भी इधर I2 की जो वैल्यू है वो आई होगी, कुल मिला के फिर से यहाँ 2I होगी करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब करंट की वैल्यू I2 की वैल्यू यहाँ पर I2 करंट हुई, उस वक्त फोर्स एक्टिंग पर लेंथ वो आ जाएगा, वो मान लेता हूँ X2 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि I1 की जो पहले वाले केस में करंट वो I/2 है, और दूसरे वाले केस में करंट I है। तो ये अगर मैं यहाँ रख देता हूँ तो X1/X2 की जो रेशियो आ जाएगी वो आ जाएगी I/2 और डिवाइडेड बाई I/1/I2, दोनों केस का करंट डिवाइडेड बाई 2, और आई ने आई को काट दिया, मतलब 1/4, मतलब 1:4 इसका सोल्यूशन है। तो 1:4 अगर देखोगे तो ये अपना ऑप्शन सही है, बाकी जो है वो रॉन्ग है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।